जुलाई को रात 2:15 के करीब एजाज खान गुलाम हुसैन खान हिंगनघाट निवासी अपने परिवार के 10 सदस्यों के साथ दो कारों से हिंगनघाट जाने निकले थे। कार में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2.5 वर्ष का एक बच्चा था। वे उमरेड गिरड मार्ग से हिंगनघाट जा रहे थे। भीवापुर तहसील के बेसुर गांव के समीप चिखला पार नदी में बाढ़ आई थी। दोनों कार बाढ़ के पानी में अटक गई थी। उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी थी। इस पर उमरेड और भीवापुर पुलिस थाने के कर्मचारी और गश्त अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस कर्मियों ने बेसुर गांव में जाकर 12-13 लोगों को मदद के लिए बुलाया। उन्होंने पानी में रस्सा डालकर सभी 10 लोगों को सुबह 4:30 बजे तक बाढ़ के पानी से सुरक्षित बाहर निकाला था। उनकी उमरेड विश्राम गृह में निवास की व्यवस्था करा दी गई थी। रात का घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश सभी और फैले बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सही सलामत बाहर निकाले जाने पर उमरेड और भीवापुर पुलिस कर्मियों के कार्यों को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पारवी प्रमुखता से उपस्थित थे। विजय कुमार मगर ने ध्यान में रखते हुए विभागीय आयुक्त कार्यालय में उनका सत्कार किया, जिसमें उमरेड पुलिस थाने के PSI ईश्वर जोगे, पुलिस सिपाही नीतीश राठौर, पंकज बट्टे, सुहास बावनकर, उमेश बांते, भीवापुर पुलिस थाने के API शरद भस्मे, चालक हवलदार रविंद्र लेंडे व पुलिस नायक दीपक जाधव सहित बेसुर गांव के जितेंद्र दौलतराव थोटे, विशाल चौधरी, निरंजन डंभारे, अंकित कुबड़े, खुंडेश्वर शिंगाड़े को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व विधायक सुधीर पारवे प्रमुखता से उपस्थित थे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।